ये देखिए कितना सॉफ्ट है। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। नानी, ये बिस्किट तो सील गए हैं। वो बिस्किट सॉफ्ट है, क्रिस्पी नहीं है। अब ओ वाकई, मेरे पास भी बहुत सारे बिस्किट सील गए हैं, क्या करें उनका? मुझे क्या पता, कुछ करें। हाँ, आप मेरी हेल्प करोगे? ओके, चलो चलते हैं, फिर कुछ करते हैं। इस समय बारिश का सीजन है और बारिश में हमारे घर में बिस्किट्स वगैरह बच्चे खोल लेते हैं, लेकिन एक दो खाते हैं, बाकी सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसमें मॉइस्चर आ जाता है और सारे बिस्किट सील जाते हैं। या तो उनमें मेहनत करो, माइक्रोवेव में रखो या अवन में रखो, उसके बाद उसे क्रिस्प करो। तो हम करेंगे ऐसे जैसे सभी करेंगे, है ना? केक बनाए? चलिए फिर। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का मैसेज आ पाए। तो आज इनका मन है एक बड़ा सा केक बनाना है। तो कुछ बिस्किट तो मेरे पास सीले हुए हैं और कुछ मैं नॉर्मल ले रही हूँ। कुछ ग्राम्स में मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्ले जी के 2 पैकेट बिस्किट हैं, करीब 200 ग्राम। इसी तरीके से मेरे पास कुछ मारी बिस्किट पड़े हैं, या मेरे पास 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, वो भी मैं ले लेती हूँ। इनका भी है वेट 200 ग्राम, बहुत टेस्टी होते हैं, ये भी डाल देते हैं। और ये 1 पैकेट था आपका, एक मैं और डाल देती हूँ, मतलब कुल मिला के मेरे पास 6 पैकेट बिस्किट्स हैं। तो इनको अगर हम ग्राम्स में देखेंगे तो ये ग्राम्स में करीब करीब 600 ग्राम है। तो इन्हें हम तोड़ते हैं। तो हमने लिए कुल मिला के 600 ग्राम बिस्किट्स का वेट है और 6 पैकेट हैं। आप जैसे भी, कई बार हमारे घर में टूट जाते हैं तो हमें पता नहीं होता वो कितना है, तो मैं आपको कप में भी बता दूंगी इसका चूरा करके कि कितने कप है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और इतने बिस्किट में मैं थोड़ी डालूंगी चीनी, करीब 2-3 चम्मच चीनी डाल देंगे। अगर आपके पास है तो थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे, क्योंकि ये ब्रिटानिया टाइप केक बन जाएगा, चॉकलेट ब्रिटानिया केक, फ्रूट केक जो होता है। और बाकी हमें चाहिए दूध, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और थोड़ा सा हमें बेकिंग पाउडर या तो डाल सकते हैं, वो बताऊंगी कितना, या फिर इनो। बस इतने से इन्ग्रीडियंट्स हैं। घर बैठे आपके पास अगर थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हैं, इनकेस कुछ तोश के टुकड़े हैं, ब्रेड के साइड्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पहले मैंने आपको वो केक भी बताया है जो ब्रेड के एजेस हमारे वेस्ट होते हैं, उससे भी हम केक बना सकते हैं। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने केक की कई सारी रेसिपी डाली है मसाला किचन के अंदर। आपको मेरी रेसिपी कौन सी पसंद आई, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये इस टाइप से पाउडर बन गया है और अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए कितना फाइन पाउडर सा बन गया है। और अगर सीले हुए हैं तो जैसे भी हो चलेगा, फिर हम दूध में जब डालेंगे तब उसे मिक्स भी कर सकते हैं अच्छे से। नानी, मेरे पास एक सवाल है कि इसको छान क्यों रहे हैं? इसलिए कि ये देखो, ये छोटे छोटे लम्स है ना, ये देखो ये बिस्किट है छोटा छोटा, इसलिए। ठीक है, तो फिर हम हाथ से क्रश करके अंदर। हाँ, जैसे केक जो बैटर होता है ना, बहुत स्मूथ सा होना चाहिए। तो स्मूथ तब होगा जब ये पूरा छानेंगे हम। ठीक है, अब ये जो मोटे पीस है ना, इन्हें हम वापस मिक्सी में डाल देते हैं। तो बिस्किट का तो हमने पूरा चूरा कर दिया है, इसे छान लिया है। नीचे से डार्क है, चॉकलेट वाले बिस्किट हैं, और ऊपर थोड़ा लाइट है, पर ये मिक्स होके सब एक सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसको तो हम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जिस केक टिन में बनाएंगे ना, उस टिन को हम पहले सेट कर लेते हैं। आज इनका मन है कि इस मोल्ड में ही बनाएं। पहले भी मैंने इस मोल्ड में केक बनाया है, और ये हम बनाएंगे कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, और स्टैंड भी रख दिया है, कोई भी स्टैंड रख दीजिए। और अवन या माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में भी बना सकते हैं, है ना? हाँ। इसके इंस्टाग्राम पर जाकर सियान सेज, है ना? हाँ, सियान सेज इंस्टाग्राम पर आप प्लीज़ देखें, इसने बहुत सारी रेसिपी डाली हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं और इससे पूछ भी सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। तो हमने इस केक टिन को ग्रीस कर दिया। यहाँ पर आप मैदा या कोको पाउडर डस्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टिन में तो हम पेपर नीचे लगा नहीं सकते, तो वही होता है कि आप मैदा लगा दीजिए।
अब यहाँ देखिए, मैंने इस पूरे टिन में मैदे को इस तरीके से डाल दिया है और ये अब केक टिन तैयार है। अब ये बिस्किट के पाउडर को हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें हम धीरे धीरे नॉर्मल वाला दूध डालेंगे। पहले से उबला हुआ है और बहुत गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो मुझे करीब करीब आधा ग्लास दूध और डालना होगा। इसमें मैंने दूध डेढ़ ग्लास करीब डाला है, पर डिपेंड करता है बिस्किट के ऊपर। अगर बिस्किट ड्राई होंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दूध लगे, और बिस्किट थोड़े सॉफ्ट होंगे तो दूध थोड़ा कम लग सकता है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। नॉर्मल चम्मच लिया है, पिसी चीनी ली है और करीब 3 चम्मच भर के मैं चीनी डालूँ। थोड़ी सी हम डालेंगे चेरी। चेरी को हम थोड़ा सा मैदे में रैप करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो टिन है इस कढ़ाई के अंदर चला जाएगा, तो वही आप बर्तन चुनिए जो आपके इस टिन के अंदर, जो आपने प्रीहीट किया उसके अंदर आ जाए। तो नीचे से मैंने एक छोटा सा रिंग रख दिया है। अगर आप कोई प्लेट रख सकते हैं, छोटी कटोरी रख सकते हैं। फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखी थी, काफ़ी गर्म हो चुका है। ये हमें तैयारी पहले ही करनी होती है। यहाँ देखिए, इनो सैशे जो होते हैं या बॉटल होती है वो आप ले सकते हैं। मुझे 1.5 टीस्पून इनो चाहिए, तो 1 सैशे में हमारा आता है 1 टीस्पून, तो मुझे 1.5 टीस्पून लेना होगा। इसे हम इनो क्यों डालते हैं बेटा? बेकिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए ना राजा। बेकिंग पाउडर। हाँ, या तो बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा हम डाल देंगे दूध। और ये इनो आप कब डालेंगे? बिल्कुल लास्ट में, जब हम बिल्कुल केक टिन में डालने वाले हैं। यहाँ पर जो ये बैटर मैंने डाला है, इसकी जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा नहीं है बैटर की, तो यहाँ मैं कुछ नहीं लगा रही। अगर ये ऊंचाई हमारा मिश्रण थोड़ा ज़्यादा होता तो ये जो होल होता है यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिल्वर फॉइल या कुछ ऐसा लगा के या छोटी सी कटोरी रख देनी चाहिए जिससे ये बाहर ना निकले। इसे रखते हैं यहाँ पर। अभी 1 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम फुल कर देते हैं। ऐसा मैं अपने हर केक में आपको बताती हूँ अगर हम गैस पर केक बना रहे होते हैं, क्योंकि जो हमने मिश्रण रखा है उसे हीट मिलना जरूरी है पहले स्टार्टिंग में। और हाँ, इसे अगर आप ओवन में बनाते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बनाते हैं, तो आप इसे 180 डिग्री पर करीब करीब 35-40 मिनट इसे पकाइए। और यहाँ भी मुझे करीब करीब 40 मिनट लगेंगे। 1 मिनट हो चुका है, बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, करीब 40 मिनट हो चुके हैं। ऐसा हाथ से देखो भाई, हाँ तो बहुत अच्छा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक लगा के मैंने देख ली है, कम्प्लीटली क्लियर है, तो मतलब हमारा केक तैयार हो चुका है। लेकिन गैस तो हम बंद करेंगे, लेकिन अभी हम डीमोल्ड नहीं करेंगे। डीमोल्ड करेंगे जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ देखिए, केक ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड करते हैं। आपकी बर्थडे में भी ऐसे ही बनाया था ना? हाँ याद है, ये मैं 8 साल का हो रहा था उस टाइम। हाँ, एक और 2828 बनाया था ना? 2020 एंड रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा वगैरह लगा हुआ था ना, हमने मैदा लगाया था, तो वो कुछ लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर सा सुपर सॉफ्ट केक बना है। नानी, लेकिन टूटी फूटी तो दिख नहीं रही। वो अंदर है ना बेटा। 1, 2, 3 सुपर सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये वो टूटी फ्रूटी, ये देखिए कितना सॉफ्ट है।
जो वेस्ट बिस्किट थे बच्चे खा नहीं रहे थे, उन बिस्किट से आपका केक बन गया। सॉफ्ट है ना? हाँ, बहुत। अरे वाह, खा, एंजॉय। आपने बहुत काम करवाया ना मुझे। तो ये सुपर सॉफ्ट केक है, बिना ऑयल के, बिना बटर के, बिना अवन के, बिना किसी झंझट के। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत।